हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी में वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्ज़ाम में और बीएसटीसी की तैयारी में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपको अपने पर पूरा विश्वास है, तो इससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगर फिर भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो भी अच्छी बात है, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। YouTube पर भी आप जो आते हैं वीडियोस बीएसटीसी से, बहुत YouTube पर भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, वह भी आप जो भी टीचर आपको पसंद आए वो देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर टू ये है कि आप कोई भी बीएसटीसी की एक बुक्स लेकर आ जाए। अब बुक्स में से अच्छी जो मानी जाती है, वो लक्ष्य की बुक्स मानी जाती है, वो आप एक बुक लेकर आकर उसको ही पढ़ें। इससे ज़्यादा किताबें या खरीदना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको वापस रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो एक लक्ष्य की बीएसटीसी वाली बुक ही पढ़े। पॉइंट नंबर थर्ड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर, जितने भी बीएसटीसी के अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं आपको मिल जाएंगे दुकानों पर, वह पेपर लेकर आए और उनको अच्छे से एनालिसिस करें कि राजस्थान में कौन से किस वर्ग से, यानी कि भूगोल या फिर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं। अच्छे से इन सब का एनालिसिस आप ज़रूर करें। पॉइंट नंबर फोर वह दोस्तों यह है कि एक ही बुक का जितनी बार हो सके रिवीजन करें, पहले सीसा पेंसिल से, फिर मार्कर से, और फिर जो भी हाइलाइटर होते हैं उनसे रिवीजन जितना हो सके आप रिवीजन करेंगे तो आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, वो भी अच्छी और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज है उसके अंदर। पॉइंट नंबर फाइव यह है कि जितना भी आपने रिवीजन किया है उसमें से कोई चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, तो उनके दोस्तों आप नोट्स बना लें और उनको बार बार रिवीजन करें, ताकि आपको जो भी पीछे जो छूटा हुआ है, याद नहीं हो रहा है, वो याद हो जाएगा, नोट्स बनाए आप। पॉइंट नंबर सिक्स है वो ये है दोस्तों कि आपके जितना भी पेपर को आपने एनालिसिस किया है, कौन से पर्सन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, उनको अच्छे से सभी सब्जेक्ट पर अच्छे से टाइम दे। जैसे कोई राजस्थान को ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको भी टाइम दे, और रीजनिंग का सिलेबस ऐसा है कि एक बार समझने में ही समझ आ जाता है, तो उसको अपने अनुसार टाइम अच्छे से देवे, प्रॉपर टाइम दीजिए सबको। जैसे दोस्तों कि शिक्षण अभिरुचि की बात करें, तो वह आप जितने भी पुराने पेपर पढ़ोगे तो लगभग वहीं से आपकी कवर हो जाएगी शिक्षण अभिरुचि, तो इसको आप बिल्कुल टाइम कम दे सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाला टाइम वह देवे। पॉइंट नंबर सेवन है दोस्तों, वह यह है कि परीक्षा का जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको अच्छे से रिविज़न के बाद आप उसके टेस्ट देवे। ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। इन टेस्ट से क्या होगा, आपको परीक्षा का माहौल वहाँ पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, एकदम कैसे माहौल रहेगा, तो उसके हिसाब से आप टेस्ट दें पूरे प्रॉपर बैठ कर, टाइम लगा कर। और पॉइंट नंबर एट है वो यह है कि दोस्तों अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो अच्छे से बना कर रखें। क्या होता है कि जैसे ही वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपके पास जो कार्ड वगैरह होते हैं वो सब चाहिए होते हैं, तो आप अपने कीमती समय लगाकर थोड़े से जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो ज़रूर बनावे। ये डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ईडब्ल्यूएस बना हुआ नहीं था। तो आप मुझे जितने पॉइंट्स याद थे दोस्तों वो आपको शेयर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।